देवबंद, यही है वो यूनिवर्सिटी दारुल उलूम जिसे दुनिया भर में जाना जाता है। उम्मुल मदारिस कहते हैं यहाँ के मदरसे को, यानी वो मदरसा जो पूरी दुनिया में फैले हुए मदरसों की माँ है। 1866 में इसकी शुरुआत हुई और 2017 में ये 150 साल का हो जाएगा। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं दारुल उलूम देवबंद से। सुबह मेरी इन्हीं आंखों ने देखा, खुदा चारों तरफ बिखरा हुआ था। ۱۸۶۶ में यहां इस छत्ता मस्जिद से, जहां एक अनार का पेड़ हुआ करता था, उसके साये में बैठकर पहले उस्ताद मुल्ला महमूद देवबंदी ने अपने पहले शागिर्द महमूद हसन को सबक पढ़ाया। पहला उस्ताद भी महमूद और पहला विद्यार्थी भी महमूद। विडंबना देखिए कि यहां के प्राचीन कब्रिस्तान में दोनों आसपास आराम कर रहे हैं। आज 150 साल बाद तालीम का वो पौधा घना और सायादार दरख्त बनकर दुनिया भर में एक पंथ की शक्ल ले चुका है। देवबंदी इस्लाम कहलाता है और यहां से पढ़कर निकले मौलवी और मुफ्ती दुनिया भर के लाखों मदरसों का मार्गदर्शन करते हैं। मजहबी तालीम बगैर तरबियत के अपने अंदर कोई भी मानवीयत नहीं रखती है, इसलिए मदारिस इस्लामिया हूं या दारुल उलूम देवबंद, बुनियादी तौर पर बच्चों को अपने यहाँ रख कर के जो उनको तालीम और शिक्षा देते हैं उसकी तरबियत भी उनको देते हैं। आज 150 साल बाद दारुल उलूम को देखकर, जिसके पास अब एक पूरी टाउनशिप है, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि 1866 में जब इसकी स्थापना हुई ये कैसा था। मुरादाबाद, सहारनपुर या मेरठ जैसे स्थान विद्यार्थियों और दूसरी सुविधाओं के लिए ज्यादा अनुकूल हो सकते थे। 1866 में मदरसे की शुरुआत 21 विद्यार्थियों से हुई, जो साल के अंत तक 78 हो गई। इनमें 58 विद्यार्थी देवबंद से बाहर के थे। ये विद्यार्थी बनारस, पंजाब और काबुल तक से आए थे। 1896 तक, यानी इन 30 वर्षों में दारुल उलूम से 277 विद्वान पूरी दक्षता प्राप्त करके निकले। कहते हैं कि इन्हीं 277 विद्वानों ने देश विदेश में जा जाकर दारुल उलूम की कामयाबी की आधारशिला रखी। 1895 से 1930 तक की अपनी यात्रा में मदरसा अरबिया इस्लामिया देवबंद वास्तव में दारुल उलूम यानी यूनिवर्सिटी बन गया। आलिम का काम यही नहीं है कि वो सिर्फ इल्म तालिब इल्म को दे, नहीं। रसूलुल्लाह ने जिस तरह नमूना बनकर उम्मत को दिखलाया, सहाबा को दिखलाया और उन्हें सिखलाया इल्म, आलिम का काम यही है कि वो इल्म सिखलाए और नमूना बन करके उनको दिखलाए कि ये तरीका है जिंदगी गुजारने का। इस दौर में देश विदेश के लगभग 1700 विद्वान तैयार हुए। 1930 से 1981 तक का सफर इसकी बड़ी तरक्की का दौर है। अब ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बन चुका था। इस दौर में 4483 विद्वान यहां से निकलकर दुनिया भर में देवबंदी विचारधारा को फैलाने लगे। ۱۹۸۱ से लेकर 2016 यानी अपने वर्तमान दौर में दारुल उलूम कामयाबी के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। वर्तमान सत्र में 5000 छात्र यहां पढ़ रहे हैं। 1866 में इसका सालाना बजट 394 रुपए था, जो अब 17 करोड़ हो चुका है। इसी दौर में इस्लाम की देवबंदी विचारधारा
आलोचनाओं का शिकार भी हुई, क्योंकि पाकिस्तान में तालिबान इसी विचारधारा के हिमायती माने जाते हैं। दरअसल 1866 में देवबंद में किसी मदरसे की शुरुआत के पीछे 1857 के संग्राम के बाद का वातावरण है। चर्च के लोग, वो बच्चे जिनके बाप तो शहीद हो गए 1857 में, घर कुछ छोड़ा नहीं, बच्चे सड़कों के ऊपर भीख मांग रहे हैं, घर में कुछ है नहीं, माँ अपनी इज्जत बचाए बैठी हुई है, इन्होंने उन बच्चों के हाथ को पकड़ना शुरू कर दिया, हमें दो बच्चे, हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मुफ्त पढ़ाएंगे मुफ्त लिखाएंगे। ये देश में मुगल शासन का अंत था, इस्लाम खतरे में है, ये भय सबसे पहले इसी काल में शुरू हुआ, और इस्लाम की रक्षा के लिए दीनी तालीम की जरूरत को सबसे बड़ी जरूरत के रूप में देखा जाने लगा। मौलाना मोहम्मद कासिम नौनातवी और उनके साथी मौलाना रशीद अहमद गंगोही के अंदर जो भावनाएं काम कर रही थीं, उसके नतीजे में दारुल उलूम की नींव रखी गई। मुजाहिद की औलाद को मुजाहिद बनाएंगे, और ऐसा हुआ भी। पिछले 150 वर्षों में हजारों विद्यार्थी इस संस्था से निकलकर इस्लाम की सुरक्षा का काम कर रहे हैं। श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, बर्मा, चीन, मंगोलिया, तातार, कजान, साउथ अफ्रीका, बुखारा, समरकंद, अफगानिस्तान, मिस्र, शाम, यमन, इराक, यहां तक कि मदीना और मक्का के विद्यार्थी यहां से ट्रेनिंग लेकर गए। जब इसने दीनी तालीम में अपना नाम रोशन कर लिया तो इसका ध्यान अपने आसपास की दूसरी सामाजिक बुराइयों की तरफ गया, और इसने एक ऐसी सामाजिक बुराई जो पूरे आसपास के इलाकों में भी फैली हुई थी, बहुत गहरी जड़ें थीं, उसको उखाड़ फेंका। कैसे किया, आइए मिलते हैं यहीं के एक बाशिंदे हसीब सिद्दीकी से और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। यह है देवबंद का मुस्लिम फंड ट्रस्ट। पहली नजर में लगता है जैसे ये कोई एक बैंक है, फुल्ली कंप्यूटराइज, कैश काउंटर, टेलर मशीन्स, लेकिन ये बैंक नहीं है, ये एक ट्रस्ट है जो सूदखोर महाजनों के चंगुल से गरीब और जरूरतमंद लोगों को बचाता है। ये बिना सूद लिए लोगों को उनके जेवरों के बदले पैसा देता है। जो लोग जरूरतमंद होते हैं तो उनसे वैल्यू के तौर पर, सामान के तौर पर जेवरात ले लेते हैं, और उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है, सेल प्राइस, नॉट परचेसिंग, उसका 80% देते हैं। तो इस तरीके से इस काम को शुरू किया गया 1961 में, और 1961 से लेकर अब 2016 चल रहा है, तकरीबन 55 साल का लंबा अरसा है। इस 55 साल के अंदर हमने 1 अरब से रुपये से ज़्यादा लोगों को रुपया बांटा है, और ख़ास बात यह है कि इस 55 साल के अंदर किसी के जेवर हमने नहीं बेचा। इसका दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है, क्योंकि बिला तफरीक मजहब मिल्लत हम इस काम को करते हैं, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सबको देते हैं। वजह क्या है कि हिंदुस्तान का मिजाज जो है वो किसी पर्टिकुलर कौम के साथ नहीं जुड़ा हुआ। इसमें इस मुल्क के अंदर 14 जबानें बोली जाती हैं, और हर तरह के मुख्तलिफ कल्चर के लोग रहते हैं। यहाँ हम किसी एक कौम के साथ ये मामला करें ये मुनासिब नहीं है, होना सबके साथ है। गुर्बत जो है वो हर जगह पैर पसारे रहती है, वो हिंदू के घर में भी रहती है, सिख के घर में भी रहती है, ईसाई के घर में रहती है, मुसलमान के घर में भी रहती है। गुर्बत कहाँ नहीं रहती, हर जगह रहती है। तो ये है देवबंद, उसका दारुल उलूम, हर तरफ एक अनुशासन भरी जिंदगी, इत्र और बिरयानी की खुशबू में बसे बाजार, चौराहे, खूबसूरत जामे रशीद मस्जिद, और 5 वक्त आती हुई आज़ान की आवाज़ें, और इनके साथ सूदखोर महाजनों से छुटकारा।